एक सेकेंड है बॉस, बहुत खुश हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत क्या बोलते टफ जर्नी रही है डायरेक्टर के लिए, प्रोडक्शन हाउस के लिए, फॉर द सेंसर्स एंड एवरीथिंग, बट फॉर अस इट वाज दैट अगर ऐसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे कलेक्ट नहीं करेंगी तो फिर बनेंगी नहीं. सो आई एम सो हैप्पी दैट इट्स बीन अ फाइनेंशियल एंड क्रिटिकल सक्सेस. मुझे लोग पकड़ के आजकल ये बोल रहे हैं कि उनकी लाइफ के कितने अंश उन्हें इस फिल्म में दिखने को मिले हैं, और मेरे कितने दोस्तों ने बोला कि फिल्म के एंड पे उन्होंने देखा कि थिएटर में स्टैंडिंग ओवेशन हुई और लॉट्स ऑफ वीमेन वर देयर, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि इतनी सारी तादाद में औरतों ने इस फिल्म को अपनाया है. सो आई एम वेरी हैप्पी. जी जी जी. और आपको ये भी कहा जा रहा था बॉलीवुड के मैंने एक इंटरव्यू में पढ़ा था कि कई लोग आपको बोल रहे थे कि ये फिल्म नहीं चलेगी, यू वांट टू प्रूव देम कि नहीं ये फिल्म है. मैंने तो एक ही चीज सोच कर फिल्म ली थी कि मुझे इस फिल्म को प्रेजेंट करने में बहुत खुशी मिलेगी, और मुझे ऑलमोस्ट बोला गया था कि अगर फाइनेंशियली देखेंगे तो आपको इसमें ज़्यादा सक्सेस नहीं दिखेगा, बट अगर आप अपने लिए कुछ करना चाहते तो कर लो. मुझे ऐसा लगा कि बच्चे को खिलौना दिया है तो बच्चा खेलेगा, ये उसका टाइम पास है, तो अगर इस फिल्म को सीरियसली ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करती तो ऐसी फिल्में बनती नहीं. इट वुड बी लाइक अच्छा यार एक आई थी उसने कैसे लॉस किया, अगर लॉस करना है तो बना दो, ऐसे सोशल कॉज चैरिटी ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ हो रहे थे, और सोशल कॉज तो है बट लोगों ने अपनाया, मतलब कहीं ना कहीं वाइडर ऑडियंस ने देखा और फाइनेंशियल सक्सेस हुआ, इसका मतलब ऐसी और फिल्में बनेंगी. ऊपर जाऊँगी, मैं लेट हो गई, मैं कुछ काम कर रही थी, मेरे कुछ शोज़ लॉन्च हो रहे हैं. जैसे ही फिल्म रिलीज़ हुई और रुचिका से मेरा पारा छूटा, मेरा टीवी पे टीवी का काम शुरू हो गया वापस, तो बहुत काम था, तो अभी ख़त्म करके मैं अभी ऊपर जाऊँगी. थैंक यू, थैंक यू. चल फिर हाय गर्ल, तुम लोग यहाँ पे खाना पीना, थैंक यू एवरीवन.